नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। लालू ने कहा कि मोदी ने ली अशुभ समय में शपथ, देश में आपदा की भरमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उनके अशुभ समय में शपथ लेने के कारण देश में आपदा की भरमार हुई है। हालांकि उन्होंने आपदाओं के बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया। उन्होंने बिहार में ताड़ी पर कोई रोक नहीं लगाने की बात करते हुए कहा कि ताड़ी को लेकर यहाँ वही नियम लागू है जो कि उनके शासनकाल के दौरान था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की बात, उनके भाषण और उनकी घोषणा पर देश भर में कोई नोटिस नहीं लेता। प्रधानमंत्री की वजह से गंगा नदी सूख गई। गंगा को स्वच्छ बनाने की घोषणा के बाद क्या किया? वह स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं। वह यह बताए कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय काला धन को वापस लाने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कन्हैया को राष्ट्र विरोधी कहना गलत। भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार को राष्ट्र विरोधी करार देने और उस पर राजद्रोह का मामला लगाने के लिए केंद्र पर निशाना साधा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि कन्हैया राष्ट्र विरोधी नहीं है। कन्हैया, हार्दिक पटेल और रोहित वेमुला को सुर्खियों में कौन ले आया? सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में युवकों की संख्या काफी ज्यादा है और उन्हें उचित दिशा और राह दिखाने की बजाय केंद्र सरकार उन्हें गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि हार्दिक पटेल जब लोकप्रिय हो गए तो उन पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया और अब कन्हैया कुमार सरकार से लड़ रहा है। उन्होंने पूछा कि इन युवकों को सुर्खियों में आखिर कौन लेकर आया। इशरत मामले में कांग्रेस भाजपा में तेज हुई तकरार। इशरत जहां मामले में तकरार को और बढ़ाते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की खाल बचाने के लिए भाजपा भ्रामक जानकारियां फैला रही है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे और आनंद शर्मा समेत वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि मोदी और शाह की खाल बचाने के लिए सरकार और मीडिया के कुछ वर्ग छल और कपट का यह जाल बुन रहे हैं। कपिल सिब्बल ने दावा किया कि गोस्वामी ने गुजरात के तत्कालीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा के हवाले से कहा था कि मुठभेड़ से पहले उन्हें काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी से हरी झंडी मिल गई थी। उस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और शाह गृह राज्य मंत्री थे।